नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। सो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं जो बहुत से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में कि भारतीयों की फर्टिलिटी दर यानी कि हम इंडियंस का फर्टिलिटी रेशियो सिर्फ 2% रह गया है। यस, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि बार बार सबके सामने आ रही हैं और उसको लेकर भारतीयों को के लिए चिंताजनक है कि हमारा फ्यूचर जो है उसमें यंग जनरेशन कितनी होंगी। पॉपुलेशन कम करने के चक्कर में ऐसा ना हो फ्यूचर में यंग जनरेशन ही ना हो, क्योंकि जो फर्टिलिटी रेशियो है वो सिर्फ 2% पे आ गया है। जो फर्टिलिटी रेशियो 1950 में 6.2 था वो अब 2021 में घटकर सिर्फ 2% रह गया है और आगे 2050 में जिसका अनुमान है कि वो 1% से भी कम हो जाएगा। सो हाँ, इट्स अ सीरियस कॉल फॉर इंडियंस, इट्स अ सीरियस कॉल फॉर दिस जनरेशन कि आगे उनको आगे के जनरेशन में फर्टिलिटी रेशियो कम ना हो या फिर अभी से उस चीज पे काम किया जाए कि हमारी पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहे बट फर्टिलिटी दर जो है वो बना रहे, लाइक बच्चे पैदा करने की क्षमता में कमी ना। देखिए, ये फर्टिलिटी दर करने का कम होने के बहुत सारे कारण है। सबसे बड़ा कारण जो रिवर्सिबल स्पेसिंग का कारण है यानी कि जो सरकार के द्वारा चलाए गए प्रयास हैं जिसमें आईयूडी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज करने के लिए बोला जाता है या फिर नसबंदी के लिए बोला जाता है। तीसरा कि जो फीमेल्स लॉन्ग टर्म तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं वो इजीली सरकारी डिस्पेंसरी में अवेलेबल होती है। इन सारी वजहों से भी जो फर्टिलिटी दर है वो कम होता जा रहा है। दूसरा कारण जो इसमें है, जो आजकल के यंगस्टर्स करियर की भागदौड़ में भाग रहे हैं और वे लेट मैरिजेस कर रहे हैं और उसके साथ साथ जिस एज में वो मैरिज करते हैं एज में आके उनकी फर्टिलिटी सेक्रीफाइस कर जाती है और उस टाइम पे वो बच्चा पैदा ना करने की क्षमता रखते हैं, तो उस वो भी एक बड़ा कारण है। जो तीसरा बड़ा कारण है इस सारी समस्याओं में, कम उम्र में बहुत सारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेके बीमारियां, फीमेल्स में पीसीओडी होना, एंडोमेट्रोसिस होना, लो एएमएच होना, टीबी जैसी समस्या से ट्यूबरक्लोसिस होना, वही मेल्स में लो स्पर्म काउंट होना, स्पर्म मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब होना और साथ के साथ अल्कोहल या स्मोकिंग की वजह से या स्ट्रेस की वजह से या करियर की भाग दौड़ की वजह से उनका स्पर्म काउंट निल हो जाना, एजोस्पर्मिया हो जाना, नॉर्मोस्पर्मिया हो जाना, टेट्रास्पर्मिया हो जाना। तो ये जो सारे कारण है, इन सारे कारणों की वजह से ये फर्टिलिटी दर कम होती जा रही है। सो हाँ, इस सारी फर्टिलिटी दर को हम अभी से हमारी जनरेशन अगर आने वाली जनरेशन पे काम करें तो ये इश्यूज ना आए, बच्चों को मानसिक संतुलन को के साथ साथ अपने काम का संतुलन बनाना सिखाए। सेकंड, उनकी काउंसलिंग की जाए कि इस एज में शादी के साथ साथ आपको अपनी फर्टिलिटी हेल्थ पे भी ध्यान देना है ताकि आपको बच्चा पैदा करने में कोई समस्या ना आए, स्पेशली फीमेल्स को एक साथ ही एज में, ताकि उनके पीरियड्स, उनकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ से रिलेटेड, उनकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड उनको जानकारी दी जाए। दूसरा, बच्चों को सही दिनचर्या के बारे में बताना। आयुर्वेद इससे बहुत गहरी भूमिका रखता है क्योंकि आयुर्वेद में सिर्फ आपके स्वास्थ्य आपको बीमारी से नहीं बचाता, आयुर्वेद आपके स्वस्थ या स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है यानी कि आपकी हेल्थ को हेल्दी रखता है। सो हाँ, इसमें आयुर्वेदिक दिनचर्या, आपका सोने का पैटर्न, आपका उठने का पैटर्न, आपका सीजन के अकॉर्डिंग आपको क्या खाना है, ऋतु के अकॉर्डिंग क्या खाना है और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि प्रकृति के अकॉर्डिंग क्या खाना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, ये आयुर्वेदा बताता है। सो आपके आसपास जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है आप उनसे कंसल्ट कीजिए, अपनी फर्टिलिटी हेल्थ पे ध्यान डालिए, उससे रिलेटेड आप नॉलेज इकट्ठा कीजिए कि आप अपने बच्चों को उस टाइप की नॉलेज दें सही टाइम पे सही एज में जब वो टीन एज से गुजरते हैं और जब वे एक रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं, तो उन्हें बताइए कि आपको इन इन चीजों पे ध्यान देना है। उसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक रसायन और कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन और कुछ ऐसी प्रैक्टिस है थेरापूटिक जो कि बहुत जरूरी है, जैसे कि काफी बच्चों में बचपन से थायराइड होता है, उनको एक टाइम पे वमन टाइम टू टाइम करवाना, काफी बच्चों में कॉन्स्टिपेशन देखा गया है जिसे फीमेल्स में एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हो जाती है या फिर उनको ये बोल लीजिए उनको पीसीओडी बीसी वजह से होता है क्योंकि डाइजेशन पुअर होता है, तो उन सारी चीजों पे शुरू से काम करना, बच्चों को बताना कि कॉन्स्टिपेशन होने से आपके बॉडी क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं।
तीसरा, बच्चों को बताना कि बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ नहीं चलेंगे, टाइम पे नहीं सोएंगे, टाइम पे नहीं उठेंगे तो आपको क्या इश्यूज हो सकते हैं, और उनको बताना कि आयुर्वेदिक जो कंसल्टेशन है, आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है, बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसी है जो कि आपको इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होने देगी। देखिए सरकार इस चीज में बहुत सारे प्रयास कर रही है कि टाइम पे आयुर्वेद को अडॉप्ट कीजिए, आयुर्वेद को अपनाइए। यही गुजारिश हम जैसे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स आपसे करते हैं कि चूज आयुर्वेदा वाइसली। आपका अपना फर्टिलिटी प्रैक्टिस में, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में आपका फर्स्ट चॉइस अगर आयुर्वेद होगा, सो डेफिनेटली आप अपनी फर्टिलिटी तो टाइम पे अचीव करेंगे, आपकी जनरल हेल्थ भी अच्छी होगी। सो हाँ, आयुर्वेद जो एक घटती हुई फर्टिलिटी रेट है, इसको आप सही मायने में करेक्ट करने में बहुत गहरी भूमिका रखता है। अपने आसपास ये मैसेज स्प्रेड कीजिए, आने वाली जनरेशन को एजुकेट कीजिए, खुद एजुकेट हो जाइए, और हाँ आयुर्वेद को समय पे अपनाइए। धन्यवाद।